कोलकाता की बात हो, रसगुल्ला, संदेश, मिष्टी दोई, इसकी बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बंगाली भद्रलोक से अगर आप बात करेंगे तो वो आपके लिए इतनी मिठास भर देंगे जिंदगी में। लेकिन आजकल मानो राजनीति में थोड़ी सी कड़वाहट हो रखी है। कड़वाहट भले ही हो लेकिन ये पुतले मिठाई के बने हुए हैं। मिठाई के साथ साथ एक ओर हमारी खुद की दीदी है तो दूसरी ओर नरेंद्र भाई मोदी हैं। अब एक और दीदी भाई हैं और दूसरी ओर दादा भाई हैं, दोनों की लड़ाई चल रही है। लेकिन मिठाई के चक्कर में आखिरकार क्या हो रहा है? मैं इस समय बलराम मलिक में पूछते हैं सुदीप दा से। सुदीप दा, 130 साल से ज्यादा पुरानी आपकी ये दुकान है, या यूं कहें कांग्रेस की जितनी उम्र है उतनी आपकी है। वो भी एक बंगाली ने शुरू की, ये भी एक बंगाली ने शुरू की। क्या आजकल मिठाई की बिक्री बढ़ी है कि घटी है, या यूं कहें कोलकाता मिठाई को ही पसंद करता है सबसे? नहीं, हर साल क्या, जब भी वोट होता है तो मिठाई का कारोबार थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है। तो इसलिए वोट को सेलिब्रेट करने के लिए जैसे हम हर त्यौहार में मिठाई लगता है बंगाली में, दुर्गा पूजा के टाइम में, दिवाली का टाइम में, हर सेलिब्रेशन में हम लोग का मिठाई लगता है। तो ये वोट एक डेमोक्रेसी का सेलिब्रेशन है, इसके साथ मिठाई को क्यों नहीं जोड़ेंगे, इसलिए ये सब मिठाई बनाना है। क्या चाहते हैं, क्या कोई बंगाली बिना मिठाई के और बिना राजनीति के रह सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। मिठाई, बंगालीज और राजनीति, ये तीनों अपने आप से जुड़े हुए हैं। ना बंगाली राजनीति के बिना रह सकते, ना बंगाली मिठाई के बिना रह सकते, तो तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसा क्यों लगता है कि आजकल बहुत कड़वाहट आ गई है? मीठा कम खा रहे हैं क्या नेता? नहीं, मीठा तो कम नहीं खा रहा है, लेकिन मीठा भेजते हैं क्योंकि हमारे दीदी इसलिए मोदी जी को मिठाई भेजते हैं। इतना दुश्मनी है राजनीति में, फिर भी मिठाई तो भेजते ही है, भी भेजती हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर राजनीति की बात करें तो क्या नेता लोग रैली वगैरह करके आते हैं तो थक हार कर यही खाते हैं? तो मिठाई वो लोग को खाना ही चाहिए, एक दूसरे को इतना कीचे उछाल रहे हैं ना, लेकिन उस लोग को थोड़ा मिठाई होना चाहिए, लोगों को थोड़ा मिठाई खाना चाहिए। क्या कभी ऐसा होता है कि कैलोरी कॉन्शियस होकर नहीं मैं मीठा नहीं खाऊं? मन हमेशा यही बोलते हैं, हम लोग उसको मानते नहीं है। मन से तो लगता है कि कैलोरी ज्यादा है तो इसलिए नहीं खाना चाहिए, लेकिन जब खाने की बारी आती है तब वो नहीं सोचते, तब खा ही लेते हैं। खाने की बारी आती है तो कोई नहीं सोचता है, रसगुल्ला हो और मिठाई हो मेरे सामने, मिष्टी दोई हो मेरे सामने, तो मैं भी नहीं छोड़ पाऊंगी। हम इस समय है लेक बाड़ी पर। लेक काली बाड़ी सबसे खूबसूरत इलाका माना जाता है कोलकाता का। शाम के समय इतना खूबसूरत हो जाता है कि बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या कह रही हैं वो खूबसूरत महिलाएं जो कोलकाता में इस बार वोट करेंगी 19 तारीख को? शीरिषा हमारे साथ हैं। भेलमुड़ी झालपुड़ी इसके बिना तो चलता नहीं है कोलकाता में, लेकिन राजनीति की बातों के बिना भी तो नहीं चलता है। नहीं बिल्कुल, जितनी चटपटी ये भेल है उतनी चटपटी हमारी राजनीति हो रखी है। बस वही है कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो बदलते नहीं है, हमारे इंग्रेडिएंट्स तो भैया बदलते रहते हैं। क्या होंगे इस बार के मुद्दे आपके? नहीं, मुद्दे तो कई तरह के हैं जो आप रोज सुन रहे हैं हमें, बट मैं एज अ वोटर मैं तो यही चाहती हूँ कि एक कंट्री को आगे ले जाने वाला कोई प्रधानमंत्री उस सीट पे जो बैठे वो देश को आगे बढ़ाए, पूरे बाकी देशों के साथ में मिलके आगे बढ़ाए। ऐसे नहीं कि हम लोग कहीं पीछे रह जाएं, पॉलिसीज वैसी। और पॉलिसीज इस बार महिलाओं के लिए क्या क्या सोच रहे हैं? एज अ महिला आप जब वोट करें तो क्या क्या आपके मुद्दे? देखिए, प्रथम मुद्दा तो हमेशा यही होता है कि एम्प्लॉयमेंट का। हम जैसे रेगुलर आदमी को भी एक एम्प्लॉयमेंट का एक मौका मिलना चाहिए, साथ में महिलाओं को भी एक मौका मिलना चाहिए। और ऐसे भी होना चाहिए कि जैसे टैक्स ब्रेक्स हो जो महिलाओं को प्रोत्साहित करे, महिलाओं को ऊपर उठने का एक मौका मिले। लेकिन क्या इस बार भी कुछ मिठास और खटास है राजनीति में और राजनीति के मुद्दों में? बिल्कुल, ये दही पुचका की तरह ही मैं चाहती हूँ कि एक बैलेंस्ड गवर्नमेंट की चुनाव हो जो हमारे देश को एकदम आगे की ओर दिशा के लेके जाए। आप क्या कहेंगी इस बार, आपके क्या मुद्दे होंगे, क्या सोचकर इस बार मतदान? मैं वोट इस तरह से चाहती हूँ कि जो भी हो स्थिर गवर्नमेंट आए, क्योंकि इंडिया का विकास, भारत का विकास तभी हो सकता है जब एक स्थिर गवर्नमेंट सत्ता में रहे। तो मेरा यही है लोगों से, जनता से, कि स्थिर गवर्नमेंट के तरफ ही वोट करें। तरफ वोट करें आप, जिसकी तरफ वोट करें। लेकिन फिलहाल हमारा वोट तो इस दही पुचका को जाता है।